हेलो फ्रेंड, टेक फॉर फन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत पे का जो एक्स्ट्रा इनकम कार्ड है उसको आप कहां कहां यूज कर सकते हैं और कहां आपको यूज करने से बेनिफिट मिलेगा और कहां आपका लॉस होगा। तो दोस्तों, ये भारत पे का जो एक्स्ट्रा इनकम कार्ड है ये जनरली लोग 1% कैशबैक गेन करने के लिए लेते हैं, क्योंकि इनका मेन जो पर्पस है, इसका कंपनी का सबसे ऊपर का जो दावा है कि शॉपिंग यूजिंग एक्स्ट्रा इनकम कार्ड टू अर्न 1% कैशबैक। और इससे सबसे ज़्यादा लाभ यही है कि आप अगर कभी भी शॉपिंग करते हो तो आपको 1% का कैशबैक आपको मिलता है। तो ये आपको 1% का कैशबैक आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो जनरली आपको कोई भी ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हो, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट से अगर शॉपिंग करते हो आप, तो आपको 1% का कैशबैक आपको प्राप्त होगा। वही आप अगर ऑफलाइन जैसे कि मॉल, जैसे कि बिग बाज़ार, रिलायंस या कलकत्ता बाज़ार, पेंटालून, ये सब में अगर शॉपिंग करते हो या फिर मूवी टिकट बाय करते हो तो आपको 1% का कैशबैक वहाँ भी मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना कैशबैक यहाँ पे 1% का प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इसका बेनिफिट बताना नहीं है, दरअसल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि आप कहाँ कहाँ यूज करोगे तो आपको कैशबैक के जगह आपको उल्टा पे करना पड़ेगा। मुझे भी दोस्तों एक जगह पे करना पड़ा है, मैंने लास्ट टाइम पेट्रोल पंप में फ्यूल रिफिल कराया था और मैं फ्यूल रिफिल कराने के बाद मैं अपना पेमेंट जो है ये एक्स्ट्रा इनकम कार्ड से किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 310 रुपये के पेमेंट के लिए मुझे एक्स्ट्रा 11.8 मतलब 11 रुपये और 80 पैसे का एक्स्ट्रा मेरा कार्ड चार्ज काटा गया है। उसके बाद 310 का पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है, तो मिला जुला के मुझे 310 की जगह पे 321.80 पैसा मेरा यहाँ चार्ज लिया गया है और कैशबैक के नाम पे बस 2 रुपया 22 पैसे मुझे दिया गया है। तो इस तरह से अगर मैं पेट्रोल पंप पर ट्रांजेक्शन करता हूँ या फिर कोई अगर एटीएम से पैसे विड्रॉल करते हैं तो एटीएम से पैसे विड्रॉल करने का चार्ज जो है 20 रुपये है प्लस 1.8% जीएसटी, आप जितने अमाउंट ट्रांजेक्शन करते हैं उसका जीएसटी लगेगा। तो मिला जुला के आपका एक ट्रांजेक्शन कम से कम 27 से 30 रुपये का हो जाता है। तो अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो तो आपको कैशबैक के बजाय उल्टा पे करना पड़ेगा, और पेट्रोल पंप पे करते हो तो भी आपको कैशबैक की जगह आपको उल्टा कार्ड चार्ज पे करना होगा। इस तरह से और भी बहुत सारे हिडन चार्जेज हैं जो कि एक्स्ट्रा इनकम कार्ड में पे करने होते हैं, तो मैं अपने एक्सपेंस के हिसाब से धीरे धीरे मैं आपको अवेयर करता रहूँगा। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो किया था एक फूड कोर्ट में किया था, रेस्टोरेंट में किया था, तो वहाँ पे 500 जो ट्रांजेक्शन किया उसमें मुझे 1% का कैशबैक मिला 4.98 का, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बिग बाज़ार में शॉपिंग किया था जो 3458 रुपये का था, उसमें मुझे 34 रुपये का कैशबैक मिला। तो अगर आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हो या फिर कोई फूड कोर्ट और अगर ई कॉमर्स वेबसाइट में शॉपिंग करते हो तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन पेट्रोल पंप में और एटीएम में इस कार्ड का उपयोग ना करें। इस कार्ड को यूज करने के बाद अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मैं बता दूं कि इस कार्ड का एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है जो कि अदर कमर्शियल बैंक में अभी नहीं आया है। तो मेरे पास यहाँ पर SBI का क्लासिक कार्ड है जो कि एक टाइप का वीज़ा है, और वीज़ा कार्ड में मुझे ये फीचर्स नहीं मिला है जो कि ये एक्स्ट्रा इनकम कार्ड में मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाईफाई इसमें इनबिल्ट है, यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई का आपका सिंबल है। इस वाईफाई का सिंबल मतलब यहाँ पे आप इस कार्ड की मदद से आप कोई भी शॉपिंग कॉन्टेक्टलेस कर सकते हो। तो ये अभी इस कोरोना के दौर में ये कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आप कॉन्टेक्टलेस शॉपिंग अगर कर सकते हो ऑफलाइन भी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपके एटीएम में वाईफाई एम्बेडेड है तो आप 2000 तक का पेमेंट कॉन्टैक्टलेस कर सकते हो बिना किसी पिन का और बिना किसी स्वैप का। आप बस इस एटीएम को स्वैप मशीन में टच करिए, वो ऑटोमेटिक आपका अमाउंट डिटेक्ट कर लेगा। तो इस तरह एक्स्ट्रा इनकम कार्ड का ये एक बड़ा फीचर्स मुझे यहाँ पे देखने को मिला है और ये बहुत ही मुझे पसंद आया है। तो दोस्तों, ये हुआ बेनिफिट और इसके कुछ जो लॉसेस थे मैं आपको बता दिया हूँ। इस तरह के मैं वीडियो लाते रहता हूँ और मेरी जो वीडियो होती है पूरी ऑथेंटिक होती है और 100% करेक्ट होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।